बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 4 का लास्ट न्यूमेरिकल रह गया था, वो हम स्टार्ट करते हैं अभी। पहले न्यूमेरिकल वो पढ़ते हैं इसे। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई अप्लाइंग द फोर्स एट अदर एंड ऑफ द बार। इसे एक डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में देख करके इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या गिवन है। तो मेरे साथ रहें। सपोज ये कि आपके पास बार है। कितनी बार की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब क्या है कि 100 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल वेज के ऊपर खड़ी, वेज के ऊपर ये इसी टाइम उसी वक्त स्टेबल होगी, इक्विलिब्रियम में आएगी जब ये बिल्कुल मिड में होगा। हम जानते हैं किसी भी बार या एक बड़ी कोई भी लेंथ वाली चीज़ हो, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर ये वेज की नोक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है जबी तो ये हिल नहीं रहा होगा, अदरवाइज ये मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने के नतीजे में गिर जाएगा और इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब ये 1 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, ये 1 मीटर इसकी लेंथ आ गई। ओके, फर्स्ट करें ये ओ पॉइंट है आपके पास। ओ पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस बार। सो इसका और इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ये वाली लेंथ कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये वाली लेंथ कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें होगी। आगे चलते हैं। तो पहली बात उन्होंने की है कि एक मास है 10 किलोग्राम का, उसको सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर हमने हैंग किया हुआ है। यानी ये फर्ज करें ये वाला पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ओ और ए के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो बात सीधी सीधी बात भी है कि ये जब हम जिसे हैंग करेंगे तो ये सारा के सारे जितना भी ये रॉड है इसको इस तरह मूव कराएगा, इस तरह गया। मैं ये कहूँगा कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएगा, रोटेट कराएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। अब सवाल ये है कि कौन सी फोर्स लगा रहा है। लेकिन जिस जितना इसका वेट है उतनी फोर्स ये नीचे की तरफ भी लगा रहा होगा। वेट कितना है इसका? W इज इक्वल टू एम जी होता है, तो वेट आपके पास 100 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा? टॉर्क ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, यानी ये वाला जो टॉर्क है, ये वाला यहाँ से ये क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल होगा? टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। यहाँ पे फोर्स तो आपके वेट के इक्वल लग रही है और मोमेंट आर्म कितना है? ओ ए। यानी टॉप वन आपके पास आ जाएगा, टॉप वन इज इक्वल टू W इंटू ओ ए। सिमिलरली बिल्कुल जो अगली बात की है कि दूसरे किनारे पर, एक तो ये किनारा होगी, एक तो ये साइड होगी और दूसरे साइड के बिल्कुल एंड पर किनारे पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब जब दूसरे जो पोर्शन है उसके एंड पर लगा रहे हैं, इससे अल्टीमेट बात ये पता चल रही है कि अगर ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हो तो मोमेंट आर्म कितना बनता है यहाँ से? 50 सेंटीमीटर। फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। यकीनन यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये भी एक मोमेंट, ये भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो कि इस तरफ, जो कि क्लॉकवाइज, जो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। अगर हमने फिर बैलेंस रखना है इस सारे के सारे रॉड को, तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है कि क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फॉर बैलेंसिंग अ बॉडी, ठीक है। फर्ज करें ये ओ भी है और ये मोमेंट आर्म कितना बन रहा है? 50 सेंटीमीटर। ये वाला टॉर्क कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को फर्ज करें हम टॉर्क टू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या आ जाएगा? एफ इंटू ओ बी। गुड, ओ ए ये आ गया
और एक क्लॉकवाइज आपके पास टॉ वन ये है, और एंटी क्लॉकवाइज के टॉर्क टॉ टू ये है आपके पास। ये दो टॉर्क्स हैं, टॉ वन और टॉ टू। अगर हमने, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि टॉ वन शुड बी इक्वल टू टॉ टू फॉर बैलेंसिंग द सिचुएशन। सबसे पहले देखें फ्रॉम द फिगर क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल है, जैसे कि बताया भी हुआ है, ओ ए आपके पास 20 सेंटीमीटर 0.2 आ जाएगा, फोर्स आपके पास 100 न्यूटन है, क्लॉकवाइज टॉर्क डब्ल्यू इन टू ओ ए है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, मोमेंट आर्म 0.5, फोर्स मालूम करनी है, टॉ टू आपके पास एफ इन टू ओ बी है। अब टॉ वन और टॉ टू तो सेम होना चाहिए ना, अगर ये सेम है बाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ये दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन वन है और एक इक्वेशन टू है, इन दोनों से इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, जस्ट वैल्यूज पुट करके हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, 40 न्यूटन रिजल्ट। सो 40 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द यूनिफॉर्म बार। यूनिफॉर्म बार को बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए हमें, दूसरी साइड पर के एंड पर 40 न्यूटन की फोर्स चाहिए। इस तरह से ये चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 के ये न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। दुआओं में याद रखें, आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद।